हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशन। ये एपिसोड 12 है हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज़ का। आज का हमारा टॉपिक है द मिसिंग डेप्यूटी स्पीकर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी रिगार्डिंग हाईलाइटिंग अ फैक्ट कि लोकसभा में और 5 स्टेट असेंबलीज में करेंटली डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है, यानी वो खाली है। तो उसी के टूवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हाईलाइटिंग दिस पिटीशन द वैकेंट पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा एंड द 5 स्टेट असेंबलीज फॉर ईयर्स। कई सालों से ये पोस्ट खाली है। तो जो बेंच इस PIL को हियर कर रही थी दैट वॉज लेड बाय CJI DY चंद्रचूड़। उन्होंने जवाब मांगा है, रिस्पॉन्स मांगा है इस PIL के टूवर्ड्स, जो कि कंटेंट कर रही है दैट लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर ना इलेक्ट होना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर एंड स्पिरिट के अगेंस्ट है। अब हम बात करें कि डेप्यूटी स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो आर्टिकल 93 लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट के बारे में बात करती है। इट प्रोवाइड्स एस्टेब्लिश द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड इट्स फर्दर आर्टिकल फ्रॉम 94 to 96 ये डेप्यूटी स्पीकर के अपॉइंटमेंट, रिमूवल और पावर्स की बात करते हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्टेट असेंबली की बात करूँ तो 178 आर्टिकल डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। एंड डेप्यूटी स्पीकर का रोल क्या होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर सर्व्स एज द स्पीकर, कि जब अगर स्पीकर अपनी पोस्ट पे नहीं है तो उनके बिहाफ पे डेप्यूटी स्पीकर एज अ स्पीकर सर्व करते हैं और उनके पास स्पीकर की सारी ही पावर्स होती हैं, वो उन सारी ही पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि डेप्यूटी स्पीकर सबॉर्डिनेट है स्पीकर के, नहीं, रादर डेप्यूटी स्पीकर भी हाउस के टूवर्ड्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वही मैंने बताया कि स्टेट असेंबलीज के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 178 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और इसके फर्दर आर्टिकल्स 179 से 181 तक स्टेट असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर के पावर्स, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है। अब हमारा सवाल है कि क्या डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट होना मैंडेटरी है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये होना ही होना चाहिए, हमें कैसे पता चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि जब आप अगर आर्टिकल 93 और 178 को रीड करोगे तो उसमें शैल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और शैल वर्ड तो मंडेट को डिटरमाइन करता है ना कि ये काम होना ही होना चाहिए। सो दैट इंडिकेट्स दैट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज मंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जब क्वेश्चन है कि डेप्यूटी स्पीकर का क्या मेजर रोल होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था वो चीज़ आर्टिकल 95 में मेंशन है दैट जब तक स्पीकर का पोस्ट वैकेंट रहता है तब तक स्पीकर की सारी ड्यूटीज़ जो है वो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करती हैं एंड वाइल सिटिंग इन द हाउस डेप्यूटी स्पीकर के पास वो सारी सेम पावर्स होती है जो कि स्पीकर के पास होती हैं, राइट। अब हम बात करें कि मतलब कब तक, कितने टाइम पीरियड के अंदर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। तो आर्टिकल 93 और 178 में टर्म लिखा है एज सून एज मे बी, कि जितना जल्दी हो सके, मतलब कोई फिक्स टेन्योर उसमें डिटरमाइन नहीं किया गया है, इट्स जस्ट कि एज सून एज इट मे बी। सो इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। जनरल टर्म्स में क्या होता है, जनरली प्रैक्टिस में चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट असेंबली हो, दोनों के अंदर स्पीकर का इलेक्शन होता है हाउस के फर्स्ट सेशन में और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है हाउस के सेकंड सेशन में। ये जनरली जो यू नो प्रैक्टिस फॉलो किया जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 8 की अगर बात करें दैट सेज दैट द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर मे फिक्स, कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन तब होगा उस डेट को होगा जो स्पीकर डिटरमाइन करेंगे, स्पीकर फिक्स करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस बात पे कि जो क्वेश्चन उठाया गया, कोर्ट ने पूछा कि भाई रिस्पॉन्ड करें कि क्यों है इतने समय से डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली, तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा। सो द ट्रेजरी बेंचेस हैव मेंटेन्ड देयर इज नो इमीडिएट रिक्वायरमेंट फॉर डेप्यूटी स्पीकर एज बिल्स आर बीइंग पास, डिस्कशंस आर बीइंग हेल्ड एज नॉर्मल इन द हाउस। तो ट्रेजरी बेंच ने कहा कि कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई ऑन इमीडिएट बेसिस डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट किया जाए, इलेक्ट किया जाए,
बिकॉज जो काम हाउस में होता है नॉर्मली वो एज इट इज हो रहा है, बिल्स पास हो रहे हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं. अ मिनिस्टर आर्ग्यूड, और एक मिनिस्टर ने इस बात पे आर्ग्यू करते हुए कहा दैट देर इज अ पैनल ऑफ 9 मेंबर्स. हमारे हाउस के अंदर 9 मेंबर्स का एक पैनल है जिसमें सीनियर एक्सपीरियंस एंड सेलेक्टेड मेंबर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज. तो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज चेयरपर्सन टू असिस्ट द स्पीकर टू रन द हाउस. कि अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल इमीडिएट ज़रूरत है. ये जो 9 मेंबर्स का पैनल है ये भी स्पीकर को असिस्ट करते हैं इन द डीलिंग्स और इन द कोर्स ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग्स, राइट. तो ये यूनियन गवर्नमेंट का पोजीशन है ऑन कि वाई देर इज यू नो वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर. अब हमारा इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती है कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन में डीले क्यों हो रहा है. तो आर्टिकल 122 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलीज्ड इररेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर. तो ये तो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है ये आर्टिकल बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. इट सेज दैट कि पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग की वैलिडिटी जो है वो ऑन द क्वेश्चन ऑफ ग्राउंड नहीं उठेगी कोर्ट के सामने ऑन अ ग्राउंड की देर इज इररेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, राइट. हाउएवर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है that courts do have the jurisdiction, court के पास jurisdiction है कि at least it may inquire, वो inquire तो कर सकता है ना कि why there have been no election, election क्यों नहीं हो रहा है to the post of deputy speaker since the constitution envisage an election as soon as maybe, जबकि constitution में ये प्रावधान है और ये बकायदा अनुच्छेद में mention है कि जल्द से जल्द as soon as maybe deputy speaker का जो post है वो fulfill होना चाहिए. तो ये इंक्वायर करने का जुरिसडिक्शन तो कोर्ट्स के पास है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है. तो ये था हमारा टॉपिक द मिसिंग डेप्यूटी स्पीकर. आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस समझ आए होंगे. ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इन जनरल भी आपको गवर्नेंस एंड लीगल न्यूज़ में इंटरेस्ट है फॉर दैट पर्पस एज वेल. ऐसी और इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स एंड न्यूज़ की सीरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा. टिल देन एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय.